अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कैसे हैं? नाज़रीन आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल रैक लाइफ में खुश आमदीद। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से मैं थोड़ी सी अपने कामों में पर्सनली जो काम थे मेरे उसमें बिज़ी था, मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर सका। लेकिन आज मैं द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का तीसरे नंबर पर बड़ा शहर फैसलाबाद, जिससे जिसका पुराना नाम था लाइलपुर, तो यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद की मैं आपको तकरीबन विज़िट वगैरह मुकम्मल करवाऊँगा। तो इधर मैं आया था, मैंने कहा फैसलाबाद का आपको व्यू वगैरह भी करवा दूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ले कर चलूँगा जो फैसलाबाद के 8 फेमस जो बाज़ार हैं, फेमस 8 मार्केट्स हैं, उसकी विज़िट वगैरह करवाऊँगा। और वहाँ से मैं होता हुआ आगे गुमटी फाउंटेन है, जो कि अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ है, चौंक के दरमियान में फुवारा वगैरह, वो आपको दिखाऊंगा। फिर आपको रेलवे स्टेशन की तरफ लेके चलूंगा, रेलवे स्टेशन का व्यू वगैरह भी करवाऊंगा दोस्तों। उसके बाद मैं आऊंगा जिना गार्डन, बागे जिना, फैसलाबाद का फेमस गार्डन है दोस्तों। ठीक है, सरीना होटल के पास ही वो बाग है, उसका मैं आपको व्यू वगैरह करवाऊँगा, उसकी सैर वगैरह करवाऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस वक्त मैं, मेरे साथ इधर क्लाक टावर है, तो मैं जो 8 बाज़ार हैं उनके करीब खड़ा हूँ। ये कोट वाली रोड है और मेरे पीछे आप अलाइड बैंक वगैरह देख सकते हैं, पंजाब बैंक की ब्रांच भी यहाँ पर है, खुशहाली JS बैंक ये तकरीबन है इधर, और नादरा ऑफिस वगैरह भी इधर है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसके पीछे ही लियाकत रोड है दोस्तों, और उसके आगे ये सर्कुलर रोड वगैरह होता है, और मेरी इस जानब कोट वाली रोड है दोस्तों। ठीक है, तो आज की दोस्तों वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली, स्किप ना करना, कंप्लीट देखना। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी प्राइवेट, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, पैदल ही चलकर मैं आपको सारे सिटी का व्यू वगैरह करवाऊँगा। तो आपने ज़रूर वीडियो को लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो वगैरह, मैं सोच रहा था कि फैसलाबाद में रह रहा हूँ तो मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ और आप दोस्तों के लिए वीडियो लाऊँ। तो इस वक्त दोस्तों फैसलाबाद अभी तकरीबन ना 4 बजने वाले हैं, तो 3:30-4 बजे का टाइम है, और ये बादल वगैरह भी, स्याह बादल वगैरह भी छा गए हैं, तो बारिश का इम्कान है, मौसम ख़राब हो रहा है, लेकिन मैं आपको जल्दी व्यू वगैरह करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम मेरे साथ रहना और चैनल को ज़रूर लाइक करना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आओ लेट्स। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि यहाँ फैसलाबाद में तकरीबन मैंने काफ़ी वीडियो शूट की हैं, जो फैसलाबाद का है ना, जो क्लाक टावर और उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार जो हैं, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। बागे जिना फैसलाबाद का जो बागे जिना गार्डन है, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, और फैसलाबाद का जो रेलवे स्टेशन है उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। सभी वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वीडियो वगैरह भी आप वो वॉच कर सकती हैं। ठीक है, ये दोस्तों ये व्लॉग जो मेरा ये रैंडम है, इसमें मैं तकरीबन हर चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आओ हम सिटी का व्यू वगैरह करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में शायद आपको रिज़ल्ट ठीक ना मिल रहा हो, क्योंकि इस वक्त धूप नहीं है दोस्तों, और बिल्कुल बादल छाए हुए हैं आसमान पर, तो मौसम ख़राब हो रहा है दोस्तों, बारिश आने वाली है मेरे ख्याल में, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो चुकी है। तो मैं आपको ना वो जो बाज़ार हैं उनकी तरफ लेके चलता हूँ, फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार हैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों ये सामने आपके ये UBL बैंक, ये काफ़ी खैबर बैंक भी यहाँ पर है, काफ़ी बैंक की ब्रांचेस वगैरह हैं, रावी एक्सचेंज जहाँ पर करेंसी एक्सचेंज की जाती है वो भी यहाँ पर शॉप्स वगैरह हैं, और ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये अलाइड बैंक है। ठीक है, ये सामने अलाइड बैंक है, और इसी के साथ ये पंजाब बैंक की एक ब्रांच है, और आगे नादरा ऑफिस है। तो ये जो रोड आप देख रहे हैं ये कोतवाली रोड है, कोतवाली जिसको उर्दू में कहते हैं रोड है। इसके आगे लेफ्ट साइड पर दोस्तों लियाकत रोड है, और राइट साइड पर सर्कुलर रोड है। तो इस तरफ से वो ये सारे बाज़ार हैं फैसलाबाद के, जो मेन 8 बाज़ार हैं उनकी तरफ मैं आपको ले कर चलता हूँ दोस्तों। आज दोस्तों फ्राइडे का दिन है, तो आज आपको यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं नज़र आएगा, और फ्राइडे के अलावा इतना यहाँ पर रश होता है, ये मेन चौक है तो यहाँ से गुजरा भी नहीं जा सकता। ये अमीनपुर बाज़ार है, यहाँ पर ये बाज़ार जो मेनली यहाँ पर स्टेशनरी बाज़ार है।
और ये देखें जी, ये कितनी किताबें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये दोस्तों, इस वक्त मैं अमीनपुर बाज़ार से गुजर रहा हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ से तकरीबन किताबें की दुकानें हैं। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें, तकरीबन पंजाब के जो भी स्कूल हैं, स्कूलों की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेजेस वगैरह की, यहाँ पर हर किस्म की यहाँ पर बुक्स मिल जाती हैं। तो ये अमीनपुर बाज़ार, यहाँ पर ये बाज़ार तकरीबन किताबों के नाम से ये बाज़ार जाना जाता है, पहचाना जाता है। और वो सामने आप देख सकते हैं, वो क्लाक टावर है, जो कि अंग्रेज़ दौर की ऐजाद है, उनके दौर की बनाई हुई एक मानोमेंट है, जो भी अब भी कायम है। इसी की बदौलत फैसलाबाद को काफ़ी शोहरत मिली हुई है। ये देखें दोस्तों, मैं आपको फैसलाबाद के ये बाज़ार वगैरह दिखाता हूँ। वो है कितना रश है माशाल्लाह से। ये देखें दोस्तों, बाहर सेल लगी हुई है, डिफरेंट जूते वगैरह पड़े हैं। और इस तरफ से ये लेडीज़ पर्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, मुख्य कलर के हैं, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस तरफ से मैं आपको हैंड बैग वगैरह दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये डिफरेंट कलर में, ये डिफरेंट टाइप्स के ये पड़े हैं वगैरह। जान, इनकी प्राइस वगैरह बता सकती हैं, कितनी कितनी प्राइस में है? 2500 ये जो सामने 2500-2000-1500 मैक्सिमम रेंज ही है। अच्छा, इतनी की रेंज की रखी। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ, ये आप देख सकते। और इस तरफ से दोस्तों मैं आपको मस्जिद वगैरह दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये कितनी बड़ी मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। ये कितना ऊंचा इसका मिनरल है या मीनार वगैरह है। और सामने एक गुंबद वगैरह आप देख लें, छोटे बड़े गुंबद। इस तरफ से काफ़ी बड़ा और ऊंचा मीनार है। ये मस्जिद वगैरह इसी बाज़ार के अंदर है, मैंने कहा इसका भी आपको व्यू वगैरह करवा दूं। दोस्तों, वो सामने क्लॉक टावर घंटाघर आने वाला है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको तकरीबन पूरे फैसलाबाद की विज़िट वगैरह करवाऊंगा, सारे रोड वगैरह दिखाऊंगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हर चीज़, ये आठ जो बाज़ार हैं, ये फैसलाबाद के मेन और बड़े बड़े मशहूर बाज़ार वगैरह, ये भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। और अब ये मत कह देना कि ये बाज़ार जिसमें मैं जा रहा हूँ ये कौन सा बाज़ार है। आगे आठों बाज़ारों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो बाज़ार वगैरह मैं आपको दिखाऊँगा। और जिस बाज़ार में मैं जा रहा हूँ इसका नाम क्या, ये भी मैं आपके साथ आगे मैंशन करता हूँ। ये आ गया दोस्तों, ये क्लॉक टावर, ये घंटाघर। और अब मैं जो आठों बाज़ार हैं उनके नाम वगैरह भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बाज़ारों में दोस्तों आप हर किस्म की शॉपिंग कर सकते हैं, हर किस्म की। ये जंग बाज़ार है, जिस बाज़ार से मैं आ रहा हूँ दोस्तों, ये लिखा हुआ है जंग बाज़ार। उसके आगे वो सामने वाला वो भवाना बाज़ार है, उसके साथ वाला वो अमीनपुर बाज़ार है दोस्तों। ये है जी भवाना बाज़ार है, इसमें लेडीज़ के कपड़े वगैरह हैं, इस तरह की ये शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, डिफरेंट क्लॉथ वगैरह। ये सामने वाला, ये दोस्तों लिखा हुआ अमीनपुर बाज़ार, यहाँ पर बहुत बड़े किताबों की दुकानें, किताबों के काफ़ी बड़े स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ से आप तकरीबन हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की किताब वगैरह परचेस कर सकते हैं। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें वगैरह भी ख़रीद सकते हैं ये अमीनपुर बाज़ार में। और आगे जो नेक्स्ट बाज़ार है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा दूँ, वो चनियोट बाज़ार है। ये चनियोट बाज़ार है ये सामने वाला, और इसके आगे ये कचहरी बाज़ार है। यहाँ पर दरअसल ये मोबाइलों की मार्केट है, यहाँ पर आप हर किस्म के, हर कंपनी के मोबाइल वगैरह, आपके मोबाइल वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। ये कचहरी बाज़ार से आप मोबाइल वगैरह ले सकते हैं, ये मोबाइलों की मार्केट है कचहरी बाज़ार। और उसके आगे दोस्तों ये रेल बाज़ार, और ये दरमियान में ये क्लॉक टावर बना हुआ है, ये लिखा हुआ रेल बाज़ार। और आगे इसके आगे वाला जो आठवां बाज़ार है वो कारखाना बाज़ार है, ये कारखाना बाज़ार है सातवां। और जो आगे वाला जो दोस्तों बाज़ार है, मॉन्टगोमरी बाज़ार, मॉन्टगोमरी बाज़ार, ये आठवां बाज़ार है। ये बड़े फैसलाबाद के मेन आठ मेन बड़े बाज़ार हैं, ये मॉन्टगोमरी बाज़ार, उसके आगे वाला जंग बाज़ार है,
इस बाज़ार से मैं गुज़र कर आ रहा हूँ दोस्तों। तो ये है जी अंग्रेज़ दौर का, ये बना हुआ पाकिस्तान से पहले अंग्रेज़ दौर का तमीर शुदा ये क्लाक टावर, ये उन्हीं की बेसिकली ये एक निशानी है, मॉन्यूमेंट्स है। और ये क्लाक टावर के इर्द गिर्द ये दोस्तों ये 8 बाज़ार हैं, जिसका मैंने आपको व्यू वगैरह करवा दिया, नाम वगैरह भी बता दिए हैं। और नाज़रीन इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में कुछ, ये सेंटेंस वगैरह लिखे हुए हैं। ये जो है ना क्लाक टावर, ये मलका विक्टोरिया की याद में ये तमीर किया गया था चेनाब कलोनी में। तो ये जो इसका सन इधर लिखा है 1903 से लेकर 1905 के दौरान, जब पाकिस्तान बनने से पहले दोस्तों, तो ये उस वक्त का ये क्लाक टावर है, घंटाघर है। तो बार मैं आपको फिर रिपीट कर दूँ, इसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं, जिसके मैंने आपको नाम वगैरह मैंशन कर दिए हैं। और इधर एक और आगे गेट आ रहा है जो कि अंग्रेज़ दौर का बनाया गया है, उनके दौर की तमीर। एक और गेट मैं आपको दिखा दूं, आगे गुमटी फाउंटेन है, आगे उनके दौर की एक और यादगार है, फुहारा वगैरह भी बनाया गया है चौक के दरमियान में। देखें जी उनके दौर की ये बनाई गई एक छोटी सी इमारत, ये गुमटी फाउंटेन, इस इमारत के दरमियान में दोस्तों ये फुहारे वगैरह बनाए गए हैं, और ये मेन चौक के दरमियान में बनाई गई है, ये अंग्रेज़ दौर की। इस तरफ से दोस्तों ये कैसरी गेट वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँ, 1897 की तमीर है, 1800 यानी कि 19वीं सदी की ये तमीर देख लीजिए। उनके दौर का ये अंग्रेज़ दौर का ये गेट वगैरह बनाया गया, जिसका नाम है कैसरी गेट। ये कैसरी दरवाज़ा है मलका विक्टोरिया के लिए 8 बाज़ारों में दाखिल होने के लिए दाखिली दरवाज़े के तौर पर 1897 में तामीर किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके मतलब आपने मालूमात ले ली, ये कैसरी दरवाज़ा। तो अच्छा दोस्तों, ये झांक बाज़ार और जो क्लाक टावर घंटाघर है, उसके 8 बाज़ारों को मैं क्रॉस करता हुआ, कैसरी गेट मेरे पीछे, ये कैसरी गेट है आप देख सकते हैं ये पीछे वाला, इसको क्रॉस करता हुआ इस तरफ से गुमटी फाउंटेन है, ये भी आप देख सकते हैं ये पीछे। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो आगे भी वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊँगा। ये मेन फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार थे वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ जो फैसलाबाद के मुतल्लिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो उसके मेन रोड है, मार्केट्स वगैरह हैं, जो कुछ भी है फैसलाबाद के मुतल्लिक मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देख लें, ये जी फैसलाबाद का ये जो मेन चौक है गुमटी फाउंटेन, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है, कितना रश वगैरह है। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, आओ दोस्तों लेस अब्दुल रशीद गाजी चौक मेरे ख्याल में इस चौक का नाम। और ये देख लें, ये धागे की बड़ी बड़ी गोटे वगैरह, ये कोने वगैरह लगी हुई हैं, यही दोस्तों फैसलाबाद की पहचान है, क्योंकि फैसलाबाद में कपड़े की मिले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो ये GTS है, ये देख सकते हैं जिस तरफ से, ये वो सामने पुल है जिसको झाल पुल कहते हैं, तो ये बस उस तरफ से आ रही है, उस तरफ से बड़ी ब्रिज है, झाल पुल है फैसलाबाद की पहली बड़ी ब्रिज। और यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, बसें वगैरह यहाँ पर स्टॉप करती हैं, ये देख लें। और ये GTS वगैरह देख लें, तो ये अभी मैं शहर में हूँ, उधर से बाज़ारों में से होता हुआ यहाँ पर GTS यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और आगे भी मैं आपको रेलवे स्टेशन की तरफ लेके चलता हूँ, आगे भी मैं दोस्तों आपको बहुत कुछ दिखाऊँगा, वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने बहुत कुछ देखना है फैसलाबाद में, इस तरह के रोड या इस तरह का शहर वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपने और वीडियो में नहीं देखी होंगी, तो मेरे साथ रहना दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों ये बशीर निज़ामी ये चौक है, इस तरफ से ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की तरफ मैं आपको ले कर चलता हूँ। तो ये ले जी हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ये जी केतली ये चौक देख लें, ये केतली। लो जी दोस्तों, मैं फाइनली इधर फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन में यहाँ पर पहुँच आया हूँ। तो पीछे से काफ़ी मैं GTS से होता हुआ इधर मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचा हूँ, इसका मैं आपको व्यू वगैरह करवाता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे मैं आपको ले कर चलता हूँ आगे। यहाँ दोस्तों मैं पहले भी एक दफ़ा आया था, मैंने कंप्लीट रेलवे स्टेशन फैसलाबाद का जो रेलवे स्टेशन है ना, उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो शूट की थी, वो भी माशाल्लाह से आप काफ़ी देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो यही बिल्कुल सेम यही सीन था इस तरफ से, ये जी मेरे पीछे रेलवे स्टेशन। तो इसका मैं आपको व्यू वगैरह करवाता हूँ, आओ दोस्तों लेट्स गो।
ये दोस्तों ये तकरीबन ये वीडियो जो है ना व्लॉग वगैरह ये पूरे फैसलाबाद के पूरे फैसलाबाद पर है। ये रैंडम व्लॉग है दोस्तों, इसमें तकरीबन मैं फैसलाबाद की हर चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने सेपरेट वगैरह व्लॉग वगैरह बनाए थे, रेलवे स्टेशन पर अलग-अलग बनाया था, जिना गार्डन पर अलग-अलग बनाया था, फैसलाबाद के जो आठों बाज़ार है उस पर मैंने अलग-अलग व्लॉग वगैरह बनाया था, लेकिन इसमें मैं तकरीबन आपको ये रैंडम व्लॉग हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो साथ रहना है, वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना दोस्तों। ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, मैं आ चुका हूँ, तो इसका मैं आपको व्यू वगैरह करवाऊँगा। यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी आने वाली है, लोग उसका वेट वगैरह कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन, ये बेसिकली ये नवल्टी पुल और ये झाल ब्रिज के दरमियान में है। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि यहाँ के लोग वगैरह कह रहे हैं, इस तरफ से जो ट्रेनें खड़ी हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेनज़ीर भुट्टो के दौर की ये ट्रेनें हैं, उस वक्त के दौर की ये ट्रेनें हैं, उस वक्त के दौर की ये जलाई हुई ट्रेनें हैं जो कि अभी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये जो पीछे मेरे आप ट्रेनें वगैरह जली हुई है, मेरे ख्याल में बहुत पुरानी ट्रेनें हैं। और ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर की ये सारी ट्रेनें हैं, उस वक्त के दौर की ये जलाई गई थी ट्रेनें, तभी से उस दौर से यहाँ पर मौजूद हैं। इस रेलवे स्टेशन पर मैंने काफ़ी पहले भी एक कोशिश की थी, काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो वगैरह बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, वो म्यूज़िक वगैरह लगा के मैंने आपको वो वीडियो वगैरह दिखाई थी। वो वीडियो वगैरह भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इधर भी मैं मौजूद हूँ, और कोई ट्रेन वगैरह आती है तो मैं उसका व्यू वगैरह आपको करवा देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा व्यू वगैरह करवा दिया है ये रेलवे स्टेशन का, अब मैं जा रहा हूँ। दोस्तों ये सीन देखकर मुझे ना वो जो इंडियन मूवी शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो याद आ गई है, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन का व्यू मैंने आपको करवा दिया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ दोस्तों, ये इस तरफ से। तो दोस्तों जो इंडियन मूवी है ना शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका मुझे याद आ गया कसम से। तो ये आप पेशे देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, इसका मैंने आपको व्यू करवा दिया, आगे मैं आपको लेके चलूँगा।